पर देखो भुख वड्डियां वड्डियां नूं तोड़ दिंदी है। आपां ते एक दिन भुखे नहीं रह सकदे, उन्हां ने ते 6-7 महीने पत्ते खा के गुजारा कीता है। सिंघां नूं इस गल दी समझ आ गई भी गुरु साडा समर्थ है। बाणी दा फरमान है, गुर समर्थ गह करिया ध्रुव। गुरु समर्थ है, गुरु इज ऑल पावरफुल, गुरु जो चाहे कर सकता है। गुरु सब कुछ जानता है, वो तो छिपया कुछ नहीं। फरेबी हुक्मराना दी करनी नू वेख के सिंघां नू समझ लग गई, पर वो नहीं तले। फिर चिट्ठियां आईया, थोड़े दिन बीते फिर चिट्ठियां आईया, फिर हुक्मरान कासद चिट्ठियां लेके आए। महाराज बड़ा पछतावा है, बड़ा फरेब किया गया है, जिन्हां ने तुहाडे समान नू लुटिया है उन्हां नू सजा दे दित्ती गई है, तुसी किला छड्ड जाओ। फिर कसमां खादियां गईयां। हुण गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जाणदे ने भी ये निडाल हो चुकी है फौज। सिंघां नू आखण लगे, पोह दा महीना है, सीत नहीं चल पाउणगे, कुछ समा उड़ीक कर लो, राज भाग तुहाडे कदम चुमेगा। पर भुख दे सताए जदों इकरार दियां चिट्ठियां वार वार आउंदियां रहियां ते सिंघां दे मन विच आया भी शायद हुण पछोतावा कर रहे ने मुगल। ये हुक्म ते बाई धार दे राजे, चलो हुण इन्हां दा कहना मन लैणा चाहीदा है। जदों बच्चा जिद करदा है ना, ते मापे किते ना किते मन लैंदे ने, जानदे भी ने भी ये बच्चा गलत है। गुरु दा कुछ बिरद ऐसा है। जदों वार वार चिट्ठियां आईया, सिंघां ने जिद कीती ते महाराज कहिंदे फिर इदां करो, जे साडे पास रहना है ते हुक्म विच रहना पवेगा। इत्थे लफ्ज कवि संतोख सिंह जी महाराज ने सूरज प्रकाश अंदर वरते ने, या ते लिख लिख सखल बेदावा, चले जाहो जित जिहे मन भावा। इदां करो भाई, ये गुरु दा घर है, इत्थे ना ते किसे नूं आउण लग्गिआं ही रोक है ते ना जाण लग्गिआं ही कोई टोक है। जिधर नूं चित करदा चले जाओ, जे गुरु दे हुक्म विच नहीं चलना। ते कबीर जी ने बड़ा सुंदर किया, कबीर जिहे दर आवत, कबीर जिहे दर आवत जाते ओहो हटते नाही कोई। ये दर ऐसा है, किन्नी संगत आउंदी है, कोई रोकदा है भी तेरी जात केड़ी है, तेरा धर्म केड़ा है, जो सरणे आवै ते सिकंठ लावै। ते जे कोई जा रहा है ते इत्थे रोकिया थोड़ी जांदा भी तू नहीं जा सकदा। इत्थे घाटा नहीं है कोई गुरु घर नूं, ये वाधू दा वहम ही पाली बैठे अपने वर्गे भी, जे मैं उहनों हट गया गोलक च 4 रुपये पाउणों हट गया ते शायद जिंदरा बन जाणा। नहीं, तू आउंदा रहे ते तेरियां झोलियां भरियां रहणियां ने, तू आउणों हट गया गुरद्वारे नूं जिंदरा नहीं वजणा, तेरे घर नूं भावें वज जावे। इस गल दा ख्याल रखी, ये देण वाला है दद्दा दाता, एक है सब को देवनहार, गुरु इसका गिवर, गुरु झोलियां भरन वाला है। महाराज कहिंदे तुसीं जाणा है ते जा सकदे हो, पर एक गल है, लिख के दे जाओ फिर भी असीं तेरे सिख नहीं। मैं ते नहीं ना तुहानू कहा मैं तुहाडा गुरु नहीं। गुरु का सुभा ऐसा है जो बच्चा भुलिया भटकिया चलिया भी जावे ते मापे थोड़ी है जदों वापस आउंदा ते गल नहीं लाउंदे। बेदावा लिख दिता गया, बेदावा असी बेदावे हाँ, तेरा साढ़े ते दावा नहीं रहा अज तो तू साडा गुरु नहीं है। कलगीधर हस पे कहिंदे ठीक है, ये मैं ते नहीं ना कहा भी तुसी मेरे सिख नहीं। मापे को मापे थोड़ी होंदे ने, पुत को पुत हो जाणगे। कहिंदे ठीक है जाना है ते तुहाडी मर्जी है, जाओ। चले गए। इन्हां दा आगू है ना जिहड़ा चौधरी भाग सिंह चबालिया, महा सिंह ते माता भागो ने ते टुट्टी गंढाई है। इन्हां दा उत्थे आगू है चबाल दा, चबाल पिंड दा रहण वाला चौधरी भाई भाग सिंह चबालिया।
खैर बेदावा लिख के चले गए। ये ना समझो भी उतो 40 आए सन, उतो सैकड़िया ने बदावा दिता है, मुड़े ही 40 ने, कई ने बदावा दिता है। खैर बेदावा लिख दिता गया, पातशाह तो दावे का त्याग करके ये लोग चले गए, बेदावा पत्र लिख के उतो चले गए। महाराज आखन लगे कैसे सिख ने, खंडे की पौल छकन लगे कहिंदे सी सिर गुरु दा, खंडे की पौल लैन लगे कहिंदे सी गुर उपर सदा कुरबान, गुरु तो आपा वारांगे ते अज भुख दे सताए साथ छड के दौड़ गए ने, अज राशन प्यारा हो गया गुरु नूं छड गए ने। औरंगजेब नूं पता लगा, खबर ते सारी चले गई भी कुछ चल गए ने छड के। कवि संतोख सिंह जी कहिंदे ने फिर औरंगजेब ने ख्वाजा महमूद दे हाथ जेड़ा 10 लाख विच सब तो तकड़ा जरनैल सी चमकौर दी गढ़ी पातशाह ना जो लड़िया, ख्वाजा महमूद दे हाथ कसम दी चिट्ठी आप लिख के भेजी है और सैयद दे सिर ते कुरान चुकाई गई है ते हाथ विच चिट्ठी पकड़ाई गई है। एक चिट्ठी 22 धार दे राजियां दी है जिहदे ते सारियां दे दस्तखत ने और पुरोहित नूं एक थाली दे विच साल ग्राम ते आटे दी गऊ रख के पातशाह कोल कल्लिया गया। सैयद ते पुरोहित दोवें जांदे ने, लिखती चिट्ठियां और पातशाह नूं जाके कहा जांदा है औरंगजेब वल्लों जो लिखता है, महाराज हुक्मराना ने धोखा किया तुहाडे नाल, मैं कुरान की कसम खांदा हाँ, मैं कुरान की कसम खा के कहिंदा हाँ तुसी आनंदपुर छड़ दिओ झगड़ा निबड़ जाएगा। तो असली गल ये है मूह काले कुड़ियारिया ये सारे कूड़ ने, झूठ बोलन वाले ने, इत्थे भी ते उत्थे भी इन्हां दा मूह काला ही है। ये समझते ने शायद गुरु को समझ नहीं है। जदों ये चिट्ठी आई ना बाणी ने एक गल कही है, कहिंदे मूह काले कुड़ियार या कुड़ियार कूड़े हुए जावै, कूड़ का मतलब है झूठ, जिहड़ा झूठ मारदा है उहदा वजूद झूठा, उहदा दुनिया तो नामो निशान मिट जाता है। ये कपट करना चाहते ने महाराज नाल। खैर कलगीधर पातशाह कहिंदे कपटी ने, क्यों बिन बोलिया सब किश जा वह जानते ने। इनो साहब जी सिंह कुछ उहदे तो लिखिया नहीं है पर बच्चों वागू जदों सिखा जिद की माता गुजरी जी ने भी जोर दिता। सिंह कहिंदे महाराज देखो औरंगजेब की चिट्ठी कह रही है दीन बचेगा तुहाडा, जान बचेगी तुहाडी, तुहाडी हवा वल कोई नहीं वेखेगा, आनंदपुर छड़ जाओ। ते जे जान बच रही है, जान भी जावे कोई गल नहीं, दीन बच रहा है, जान भी बच रही है, कोई नुकसान नहीं है, अज छड़ दईए आनंदपुर कल नूं कट्ठे होके फिर जंग लड़ लवांगे। खैर जदों जिद कीती, जदों मेले च कोई न्याणा बहुती जिद करे ना पापा इहो बाजी लैणी है, तो पापा फिर लै दिंदा भी हुणे टलदा तो है नहीं है। महाराज कहिंदे ठीक है किला ते छड रहे हैं पर इहदे तो बाद जिहड़ा नुकसान होवेगा उहदे असीं जिम्मेवार नहीं। आए सिखो तुहानूं कहा सी कुछ दिन उडीक लवो, वर्खा दी मार पोह दी सीत ने भारत वर्ष दीआं फौजां नूं घुटनिआं ते लै आंदा है, कुछ दिन होर राज भागत कदम बोसी करेगा तुहाडी, तुसीं नहीं मन्ने फिर इस गल दा ख्याल करिओ, एक हफ्ता रहि लैंदे ते बड़ा सी, नहीं कहना मन्निआ साडा, हुण एक हफ्ते च इन्ना नुकसान होवेगा जिहदी भरपाई नहीं हो पावे। 1761 बिक्रमी संमत पोह दी 6 तरीक है 6 पोह आनंदां दी पुरी शाम नूं रात नूं खाली कीती गई। बाबा गुरबख्श दास उदासी उदासीन संप्रदाय दा महापुरश आनंदपुर दे स्थानां दी सेवा उहनूं दित्ती गई। पर वेखो
सत पो तो गिण लो, छे पो की रात छड़िया किला, सत तो तेरा छिया सत्तां दिनां दे विच विच सारा परिवार पातशाह दा शहीद हो गया। जान नालों प्यारे सिंह शहीद हो गए, जिहड़े छे सत महीने आनंदां दी पुरी च जूझदे रहे, रंचक मात्र समय विच शहादतां होईयां क्योंकि महाराज का वचन नहीं ना मन सके। खैर पातशाह दे कौतक ने उहदे हुकम च ही खेड चलदी है, मनण वाले भी उहदे हुकम च ने, जिहड़े नहीं मनदे उह वी खेड उहदी चलाई होई है। उहदे तो बाहर कोई नहीं जा सकदा, बाणी कह रही है गुर ते बाहर किछ नहीं, नथिंग इज बियॉन्ड गुरु गोबिंद सिंह। गुर कीता लोड़े सो होए, गुरु तो बाहर कुछ नहीं है, चंगे मंदे सब उहदे हुकम च ही ने। छे पो दी रात आनंदपुर छड़ दिता गया, सत पो दे तड़के सरसा दे कंढे पहुंचे ने, कीरतपुर साहब नमस्कार करके सरसा दे कंढे पहुंचे ने। सरसा ते पिछों हमला कर दिता, कसमा तोड़ के मुगलां ने, बाई धार दे राजिया ने वादे तोड़ दिते गए। जदों वादे तोड़ दिते गए शाही फौजां वालों, बाबा जीत सिंह बाबा उदय सिंह सिंघां नूं लैके महान जंग लड़े, बाबा उदय सिंह उत्थे शहीद होए। कलगीधर पातशाह ने नितनेम करके तलवार खिंची है, अल्लाह यार खां कहिंदा सतगुरु ने राजपूतों के शक्के छुड़ा दिए, मुगलों के जो वलवले थे वो भी मिटा दिए, बाई धार दे राजे ते हुक्मराना दे सुपने चकना चूर करते कलगीधर दी तलवार ने। इक्के हमले नाल जदों पासा पलट गया, बाई धार दे राजे फौजां पछां हटियां, पातशाह ने हुक्म कीता सरसा पार करो। सरसा तो पार होए, बहाव तेज सी, बड़ा कीमती समान रुड़ गया। महाराज का एक नौ मन का ग्रंथ सी विद्या सागर, आ इन्ना की रह गया जो दसम बाणी है साढ़े को, वो रुड़ गया ग्रंथ। खैर दीन दुनिया के मालक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह का परिवार तीन हिस्सों हो गया, माता सुंदर कौर, माता साहब कौर, भाई मनी सिंह हुणाना दिल्ली में चले गए रोपड़ थानी हुंदे, छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह माता गुजरी नाल चले गए केड़ी नगर वाल कुंभे मासकी की कुली तो हुंदे हुए। अगे बाबा जीत सिंह बाबा जुझार सिंह खुद खुदा कलगीधर पातशाह दे नाल मंजला मारदे हुए सत पो 1761 बिक्रमी संमत दियां शामां तक चमकौर दे बाग विच पहुंच गए। उत्थे कच्ची हवेली वेख के डेरा ला लिया। दीन दुनिया दे मालक जदों सत पो दी शाम चमकौर विचली कच्ची हवेली विच पहुंचे, इत्थे आसन ला लिया। प्यारे सिंह आराम करदे ने, कुछ पहरे ते ने। रात नूं 10 लाख का घेरा पै गया है। कलगीधर ने आप लिखिया जफरनामे विच, गुरसिंह चे कारे को नद चेहल नर के दहलक बरायद बरो बेखबर, गुरसिंह भुखे चेहल नर चेहल 40 केवल 40 सिंह ते सामने की है कि दहलक बरायद बरो बेखबर। वो अरबी फारसी दी महान कलम गुरु गोबिंद सिंह दी आखण लगे जिन्हां दी खबर ही किसी नूं नहीं, दह लक 10 लख दा घेरा पै गया। दह फारसी विच 10 नूं कहिंदे ने, लक लख नूं कहा जांदा। 40 सिंह वी भुखे, 10 लख दा घेरा पै गया। इत्थे 40 सिंह शहीद होए, इत्थे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे 2 लखते जिगर शहीद होए, इत्थे गुरु के 3 प्यारे शहीद होए। आ जिहड़ी गल कह दिंदे ना वी सिखां वधा चढ़ा के आख्या, लो जी 1.25 लाख ना एक लड़ाया उसने, ये किदां हो सकदा? इहना बाणी ध्यान नाल पढ़ी हुंदी ते तर्क उठदा ही ना। फिर ध्यान दिओ, गुर ते बाहर किछ नहीं, गुर कीता लोड़े सो ਹੋਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਦਾਣ ਨਿਤਾਣ ਗਿੱਦੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ
एक एक लाख लाख से मैदान में लड़ा, एक एक लाख लाख से मैदान में लड़ा, जिस जा पे सिंह अड़ गए झंडा वहीं गड़ा। जिथे भी सिंह अड़ जाते सन उथे जित दा झंडा गड़दे सन, कहिंदे गुल मच गया। यह पांच प्यारों में एक है गुल मच गया, यह पांच प्यारों में एक है, थे सिसल है सुजा हजारों में एक है, कला कला लखा दे नाल फिर उथे लड़िया है। आपा नहीं लड़ सकते पर अपना मुर्शद ऐसा है वो लड़ा सकता है, ओदी असमत है। कला कला लखा ना लड़िया, बाबा जीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, भाई मोकम सिंह, भाई साहिब सिंह, भाई हिम्मत सिंह, 40 सिंघां दे नाल नाल ए शहादतां होईयां। और इदा चा नाल शहीद होए जिवें बाबा कबीर जी कहिंदे, कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूर्ण परमा। जिहड़ी मौत तों सब डरदे ने, द वर्ल्ड इज अफ्रेड ऑफ डैथ, सारे मौत तों डरदे ने पर गुरु गोबिंद सिंह दे सिंह नहीं डरदे। पांच सिंह गुरु साहिब नूं बेनती करन, अकाल पुरख दा तुहाडे निर्गुण सरूप दा वास्ता है, अपने लखते जिगर तुसीं शहीद करवा ले हुण किला छड्ड दिओ। बाबा संगत सिंह नूं कलगी ला के पोशाका बख्श के, बाबा दया सिंह, बाबा मान सिंह, बाबा धर्म सिंह नूं नाल लैके 10 लख दे घेरे नूं चीर के, ताड़ी ला के नगारे ते चोट करके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहिंदे ने, सिखां दा गुरु जा रहा है, आए ख्वाजा महबूद मरदें ते सामने आ। जिहड़े ऐसे बोल बोलते ने ना जी, वो ताड़ी ला के चोरी निकल गए, उन्हां नूं मैं सवाल करदा हुंदा भी तूं कमा वैर ते तूं 3 अपने नाल लै ला साथी, जिवें कलगी धरने लए तुसीं हो जाओ 4, ते 40 नाल तुहाडा वैर होवे ते तुसीं निकल के विखा दिओ, नंगियां तलवारां चों निकल जाओगे ते ना मिटा दिओ। इत्थे 10 लख दा घेरा है, 40 दा घेरा नहीं है, ते 10 लख सौ नहीं गया। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहिंदे, भाई दया सिंह तुहाडी बेनती मन के जा रहा हाँ पर ताड़ी लगेगी, आए संगत सिंह अटारी ते बैठ। इउं जापे गुरु गोबिंद सिंह अंदर भी है, गुरु गोबिंद सिंह रूहे जमीन दे हर कोने ते जापना चाहीदा है, ते नगारा वजदा रवे भी सिखां दा गुरु जा रहा है। ख्वाजा महमूद जिहड़ा अपने आप नूं महमूद कहिंदा सी, गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे, मेरे मस्तक वल वेख के कंध दे साए हेठ लोके उन्हें जान बचाई है, उस महमूद ने, मैं उन्हूं महमूद नहीं मरदूद कहांगा, कायर कहांगा उस। वो कहिंदे गुरु डर के निकलिया, महाराज उत्थे जफरनामे च लिखदे, मेरे अगे डर के लोकी गए बाहर ही ना आए महमूद वर्गे। ये बाणी नूं पुछ भी गुरु गोबिंद सिंह नूं लोके जाण दी लोड़ आ। इतिहास गवाह है, जदों महाराज ने आख्या सिंघां दा गुरु चलिया है, पोह दा महीना धुंद पई है, आपो धाबी पै गई, इउं जापिया सारे ही गुरु गोबिंद सिंह ने, आपस ही कट्टा वड्डी मच गई मुगलां दी, 22 धार दे राजिआं दी। जिहड़ा मशाल लैके आया गुरु गोबिंद सिंह ने, ऐसी तीर दी मार मारी उहदे जीवन दी ज्योति बुझ गई, लखां दे सिर लाउंदा खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह 10 लख दे घेरे नूं इदां उड़ा के निकलिया है जिवें शेर मृगां दी डार नूं उड़ा के निकल जांदा है। एक कुछ कायर लिखारियां दीयां लिखतां ने भी गुरु चोरी निकल गया, क्योंकि वह गुरु नूं तोड़ रहे सन अपने बराबर, वो ये गल नूं समझदे नहीं। आप नारायण कलाधार जग मैं परवरियो, पंज भूतक शरीर भावें साडे वर्गा है, किथे एक सिपाही ते किथे पुलिस दा DGP वर्दी इक्को ही हुंदी है, ताकत दा बड़ा फर्क है। गुरु नानक इज ऑल पावरफुल विद ऑल द स्पिरिचुअल पावर्स। आप नारायण कलाधार लफ्ज है, उहदे लई करामाती है, उहदे लई लखां रंचक मात्र ने, उहदा कुछ विगाड़ नहीं सकते। ये बाणी दा फुरमान है, सफल मूरत गुरदेव स्वामी सर्व कला
पर भूरे कला का अर्थ समझियो करामात हुंदा अजमत हुंदा है ते जेड़ा अकाल पुरख की मूर्त है करामात नाल भरपूर है उहदा 10 लाख की करेगा। जदों सवेरे गिणती की वजीर खां ने हजारां विच फौज रह गई जिहड़ी लखां च आई सी अद्धे ते आपस ही घट वट करके मर गए नेरे विच। सारे गुरु गोबिंद सिंह समझ रहे ने एक दूजे नूं दीन दुनिया दे मालक दे नाल दे तिन्ने सिंघ विछड़ गए। पिंड रायपुर विच कुछ देर जंड थले बैठ के पातशाह अगे वधे ने। इत्थों लंघदे होए पिंड किड़ी अफगाना गए झाड़ साहब बहलोलपुर पवात सहजो माजरा हुंदे माशी वाले पहुँच गए। इत्थे 3 सिंह मिले ने महान सिंह भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह। ये जदों मिले पातशाह नूं इत्थों संखेप विच ही दास अगे वधे माछी वाड़े तो पातशाह नूं फिर गुरु के प्यारे दीन दुनिया के मालक गुरु गोबिंद सिंह दे लखते जिगर कह लो जिहड़े पीर कहिंदे ने पातशाह नूं आपदा। वैसे भी भाई गुरदास कहिंदे सिखो तुहाडा ही गुरु है मुसलमाना उस नूं पीर मन्निया है जाहर पीर जगत गुर बाबा प्रगट है दुनिया च। महाराज माछीवाड़े के जंगलों तो लंघे ने पर मैं हैरान हाँ उसकी शख्सियत अज आनंदपुर मखमली सेजा नहीं रही। आनंदपुर खुश गया सेजा खुश गई अज आनंदा की पुरी का तख्त नहीं रहा जान नालों प्यारे लाल विछड़ गए दो अखां सामने शहीद हो गए मां विछड़ गई महल घरवालियां विछड़ गई जान नालों प्यारे सिंह नहीं रहे। मखमली सेजां ते लेटन वाले अज कंडियां दे उत्ते बैठे ने ते खुदा नूं असीं लामा दिने आ कि रंचक मात्र साडा नुकसान हो जावे भी रब वैरी हो गया। सब कुछ गवा के गुरु गोबिंद सिंह दे गलुए मुबारक तो निकलिया है रब दे लई बोल और उन्हां बोलां विच रब नूं वैरी नहीं। की कहिंदे ने मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना रब नूं मित्र कह रहे ने यह है भाणे की इंतहा। तो सानू ये सिखाया है जिहड़ा भाणा मन लवे ना उहदे ते रब की खुशी है उही मुक्त है। कहिंदे तेरा भाणा मन्ने सो मिले तुद आए जिहड़ा भाणा मनदा है उही रब ताईं पहुँचदा है। जिस भाणा भावै सो तुझ है समाए वह तेरे विच भेद हुंदा है। ये सानू सिखाया महाराज नूं किते भेद होण दी लोड़ नहीं उते आप परमेशर ने गुर परमेशर एको जन सानू सिखां नूं सिखाया है दुख आवे सुख आवे मथे त्योड़ी ना पाई जे खुदा ताईं पहुँचना है ते भाणा खेड़े नाल मन लई। यही एक सिद्धांत है जिस भाणा भावै सो तुझै समाए उही समा सकदा है। माछीवाड़े तो हेड़ी पिंड गनी खां नबी खां ने खड़े आलमगीर ये होंदे हुए इत्थों हेड़ी पिंड तो गनी खां नबी खां महाराज के हुक्म विच मुड़ आए दीने कांगड़ पहुँचे। चार वार के घर उजड़िया है पातशाह दा ते चिट्ठी लिखते ने हार दी नहीं जित दी जिहदा नाम है जफरनामा। औरंगजेब नूं चिट्ठी लिखी ते उहदे बोल दसां तुहानूं ये गुरु गोबिंद सिंह लिख सकता है साडा एक लाल ना रवे ते कंध च टकरा मार के मर जाने असीं। गुरु गोबिंद सिंह लिखते ने ना ईमा परस्ती फारसी के बोल ने ना ईमा परस्ती ना औजाए दी ना साहेब शानासी ना मुहम्मद याकीन। आए औरंगजेब तू धर्म की पालना करन वाला नहीं है तू धर्म के विधान नूं मनन वाला नहीं है तैनू मुहम्मद ते भरोसा नहीं है ता इते झूठियां कसमां कुरान दियां खाना है। अगे कहिंदे ये राजे नूं कहना सौखा नहीं है आपां दे लीडरां अगे हाथ जोड़दे फिरदे ओ भारत वर्ष दे बादशाह नूं कहिंदे ई मर्द कहिंदे तू मर्द खवाउणा है ना मैं तैनू दसदा तेरी औकात की है। कहिंदे के ई मर्द राजरा इतबार नेस्त चे कसमे कुरानस्त यसदा यकेस्त जे तेरे वर्गा मर्द अखवाउण वाला। आए औरंगजेब
समझे भी ओदे ते विश्वास करन लोक मैं तेरे ते रंचक मात्र भी विश्वास नहीं करता। क्यों? तू कुरान दी कसम खाके तोड़दा है, लिबास तेरा धार्मिक है, पर तू धर्म तो कोहा दूर है। औरंगजेब इत्थे बस नहीं, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहिंदे हामू मरद बायद शबद सुख नवरना शिकमे दे गर दर्द हाने दे गर। मैं तैनू मर्द ही नहीं समझदा। क्यों नहीं समझदा? क्योंकि मर्द दे जो ढिड विच है वह जबान ते आंदा है। मन साचा मुख साचा सोए, संत दी मर्द दी ये निशानी है। तेरी जुबान ते कसम ते ढिड विच कपट है, मैं तैनू मर्द ही नहीं समझदा। अखीर ते आखण लगे शहनशाहे आओ रंगजेब आलमीन केदार आए दौरस्त दूरस्त दी। तू धर्म दा लिबास पाया है पर धर्म तो कोहा दूर है। तू मकार है, तू झूठा है, तू बंदे दी खल विच लूंबड़ है लूंबड़। ये गुरु गोबिंद सिंह कह सकदा भारत के राजे नूं माड़े बंदे ने डांगा खाणियां कह के ये चिट्ठी लिख रहे ने। कहते की समझदा भी मेरे चार लाल शहीद हो गए तो मैं हर गया। चिहा शुद्ध के चू बचका कुश्ते चार के बाकी बेमाद अस्त पेची दे मार। चार भुजंग शहीद करके आखें भी गुरु गोबिंद सिंह हर गया नहीं। ये कुंडलिया सप गुरु गोबिंद सिंह जीवंदा है, ये कुंडलिया सप खालसा पंथ जीवंदा है, जेड़ा दिल्ली चो तेरा तख्त चकना चूर करके छेगा कुंडल विच लैके तैनू मिटा देवेगा इस दुनिया को। सब कुछ गवा के जित दी चिट्ठी गुरु गोबिंद सिंह लिख सकता है बंदा नहीं लिख सकता, यह खुदा लिख सकता है। अजी दे गम च ही मर जाइए भी साढ़े घर के चारे चिराग बुझ गए ने, चिट्ठी लिखी जाती कितने जित दी। जेड़े औरंगजेब नूं 95 साल की उम्र तक कोई तलवार नहीं कट सकी, वेख गुरु गोबिंद सिंह की कलम की ताकत। जफरनामा पढ़ के कदे तख्त तो उठ नहीं सकिया, जेड़ा तलवार ना ना कटिया गया खुद खुदा गुरु गोबिंद सिंह की कलम ने विन के सुट दिता उसने। दूसरे बन्ने महाराज दीने कांगड़ धोंदे हुए रामेणे पहुंच गए ने, मालवे चो लंघते हुए। हुण मैं सारा जिक्र ना करा। उधरों मझैल साढ़े माझे दे लोग ये झबाल पहुंचे ने, उत्थे मरग हुई है किसी दे घर। उत्थे बड़ा माहौल वैराग दा है, गल चल पई भी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह नूं तुसीं छड के आ गए, जदों आनंद मानण दा समां सी, राशन खुला सी ते आनंद लैंदे रहे, जदों भीड़ पई छड के आ गए। कहिंदे ठीक है भूखे भगत ना कि जय औखा कम है, भुख्या भगती कित्थे हुंदी है। ते सिख कहिंदे फिर ये भी पढ़ लिया करो, जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जोनी फिरना। जिहड़ा भज जावे 84 दे गेड़ ते पैंदा है, सूरमिया दा कम ही है। जो लरै दीन कै हेत सूरा सो पहचानिया, जो लरै दीन का हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाडै खेत। तुसी सूरमे नहीं निकले, उस दिल निकले तुसी मेने मारे। जदों ऐसा समा आया ना, कहिंदे एक माई जदों उन्हें देखिया मेरा बच्चा बाहर खेडदा है, ये एडे सौखे नहीं मुड़े ध्यान दिओ। लोकाई ने लानता ही इतनिया पा दतिया है, इन्हों का जीवना मुहाल हो गया। एक माई ने अपना बच्चा दौड़ के खेड़दा खेड़दा बच्चा दौड़ के ते कमरे च छुपा के कुंडा ला दिता। वो बच्चा रोवे भी मां कोई चोरी नहीं की, किसी ना झगड़ा नहीं किया, ये सजा किस गल की मैनू कमरे च क्यों छुपाउनी है, क्यों बंद कर दी है कैद कर दी है। कुछ घड़ियां लंघियां बच्चा बाहर कढ लिया, रोंदे बच्चे नू छाती नाल ला के मथा चुमिया। मां ते मां ही है, कहिंदी देख तू कोई गलत कर्म भी करें ते मैं तैनू ये सजा नहीं दे सकती भी तैनू कैद च पा देवां, तैनू समझावांगी छाती नाल लावांगी, पर अज समा ऐसा सी बच्चिया तैनू अंदर डकना पिया। क्यों मां गलती की है?
ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਿਗੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਿਗੁਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਗਾ ਦੇ ਜਾਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅਭਾਗਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਬਚਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਸਾਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀ ਹੈ ਦੂਰੇ ਜਾਈਏ ਭਾਗ ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਏ ਤੋ ਕਛ ਲਾਗੈ ਧਾਗ ਤੂੰ ਆਖੇ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਾਲਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਕਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬਦਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਛਕੋ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇੜਾ ਸਾਂਭੋ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਓ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੈ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੁਕਮ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੜਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੜਵਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤੇ ਬਣ ਗਏ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ ਇਹ ਨਗੁਰੇ ਨੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਕੋ ਲਏ ਕਿਤੇ ਸਾਇਆ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਨਾਲੇ ਪਤੰਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਡਾਲੀ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਰਵੇਗਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਖੀਰ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਖ ਲੂਟ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਰੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਤਾ ਹੈ ਬੇਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਖ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੜ ਦਿਓ ਜੋ ਸਰਣੇ ਆਵੈ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੈ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਈਏ ਜੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਗਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਤਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਓ ਗੁਰੂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੀਵਨ ਕੀ ਛਡਾਸ ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਮਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਰਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਮਝਾਈਏ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਪਏ ਚੌਧਰੀ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਚਬਾਲੀਆ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮੇਆਣੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਮਝੈਲ ਚਬਾਲੀਆ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਆਏ ਹਾਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੱਖ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਮਾਣੋ ਤਲਵਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਅਲਪੱਗ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬੱਗ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ
सिख का मतलब है गुरु तो सिखना ना के सिखाउना। गुरु नो कोई वड्डा होवे ते सिखावे, बाणी कहिंदी है सब ते वड्डा सतगुर नानक, ते तू गुरु नू सिखाउण लग पैना। एक नाचीज कीड़ा अपनी औकात भुल के रब नू सिखाउण लगा। असी अज भी नहीं तलदे महाराज ने आ बाणी क्यों लिखी, आ इतिहास क्यों है। कलम फड़न नू बैठे हुंदे भी भाई गुरदास जी कलम ही फड़ लिखे भी ये क्यों लिख दिता। एक गल का ख्याल रखी, इत्थे सियाणपां छड्ड के आया करजे कुछ लैणा आया, हंकार ना सियाणपा ना मन का भांडा भरिया। तू कादा सिख है, सिख ते भांडा खाली लैके आउंदा सिखण आउंदा। तू इत्थे गुरु नू सिखाउण लग पैना। बाणी कहिंदी है सिख बनना है ना गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आग्या मन में। इत्थे आग्या कर रहे ने गुरु ने लोग, आपस कौ कर कश ना जनावै हर हर नाम हृदय सद। अपने आप नूं इत्थे कुछ ना गिना, जात की है, धर्म की है, पैसा की है, तख्त की है, तेरी हस्ती की है, इनू घर छड के आ इत्थे की आउणा है। झोली अड के मन दा भांडा खाली करके सियाणपा कर छड के आ इत्थे, ते इह समझ लै भी हस्ती सिर ज्यों अंकुश है, ऐरन ज्यों सिर दे, मन तन आगे राख कै ऊ भी सेव। अहीं शरीर ते रख दिने, मन कोल ही रखीदा ना, सियाणपा गुरु नूं सिखाउणे आ। तुसीं कहिंदे हो लाहौर दरबार नाल सुलह करवा दईए, महाराज कहिंदे उस दिन तुसीं कित्थे सी जिस दिन दिल्ली दरबार ने साडे वड्डियां नूं, साडे परदादा गुरु अर्जन साहिब नूं तती तवी ते बिठाया सी। तुसीं उस दिन कित्थे सी जिस दिन तिलक जंजू राखा प्रभ ताका दिल्ली दरबार ने चांदनी चौंक पिता जी नूं शहीद कीता सी। तुसी उदों किथे सी जदों सानू 10 लाख दा घेरा पिया, ते साडे 4 लाख ते जिगर 2 सरहंद दीआं नीआं विच चिणे गए, 2 चमकौर दी गड़ी विच शहीद हो गए। उदों किथे सी तुसी जदों लखां दा सानू घेरा पिया है के पैमा शिकन बेद रंग आमदम मया तेग तीरो तूफंग आमदम, जदों कसमां तोड़ के लखां पै गए सानू, उदों ना तुसी सुलह कराई। मेरे घर दे 4 चिराग बुझ गए, तुसी उदों सुलह ना कराई। हकूमत तुहाडे आखे ना लगी, अज तुसी सुलह करवाउण आए हो। महाराज की करोगे, औरंगजेब ने तुहाडे 4 लाल शहीद कर दिते, बदला लैण वाला कोई नहीं रहा, ते गुरु गोबिंद सिंह दे बोल सुन के तू सिक्का चर्चता विच चलिया जावेगा। और रूहे जमीन ते कोई मामूली इंसान नहीं है, खुद खुदा आप प्रगट होया है। बापू आखन लगा चेहे मर्दी के अख गर खामोशा कूनी, कयातिश दा मारा फरोजा कूनी। जाओ औरंगजेब नूं कह दिओ 4 चंगयाड़ियां बुझा के अपने आप नूं मर्द ना समझ लवे। वो 4 बच्चे मेरे खत्म करके 4 चंगयाड़ियां बुझा के मर्द समझदा है अपने आप नूं। उन्हां 4 चंगयाड़ियां ने बुझ के कले कले सिख अंदर ऐसा भांबण बालिया है जो खालसा पंथ दे रूप विच दिल्ली दे तख्त नूं साड़ के सवाह कर देवेगा। ये गुरु गोबिंद सिंह कह सकता है, कहिंदे वड्डी गल नहीं 4 चंगयाड़ियां बुझा के वह मर्द बने। जाओ जाके औरंगजेब नूं कह दिओ दीन दुनिया दे मालक उथे गरजे, हुण बैठण दी सलाह दिंदे हो सानू मंजूर नहीं। भाग सिंह चबालिया कहिंदा फकीर बन के बैठ जाओ सेवा करांगे, जे तलवार नहीं छड़नी। ते कहिंदा फिर आनंदां दी पूरी बिदावा दे के आए सी, अज फिर बिदावा ही है, वापस जा रहे हैं। महाराज कहिंदे बदावा एक बार की ते भाग सिंह दूजी बार की, ना उदों ही तुहानू आउण तों रोकिया ना जाण तों रोकिया। अज भी तुहानू सदा नहीं सी गया गुरु गोबिंद सिंह दा। गुरु गोबिंद सिंह अकाल दे आसरे है, किसे मनुख दे आसरे नहीं। तुहानू सदा नहीं सी गया, मर्जी नाल आए हो ते रोकांगा, अज भी नहीं, जिथों आए हो उत्थे चले जाओ। गुरु गोबिंद सिंह दा औरंगजेब कुछ नहीं विगाड़ सकदा। नाले अल्लाह यार खां कहिंदा है, कहिंदा इनू लोड़ नहीं किसे दी, जिस रन में लड़ा बे सरो सामान लड़ा, तू 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के
ਬੜਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਾਵਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ, ਫਰਕ ਬਦਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ ਗਏ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਹੈ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਤੇ ਖੇੜੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਿਦਾਵਾ ਪੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਕੀਰੋਂ ਪਾਰ ਹੋ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਬਿਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਤਨਾ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 40 ਦੇ 40 ਲਕੀਰ ਟੱਪ ਗਏ। ਉੱਧਰੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਣ ਚੜੀਆਂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਖਿਦਰਾਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਖਿਦਰਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਖਿਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਪੱਸਵੀ, ਖਿਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਪੱਸਵੀ ਤੇ ਆਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਤਪੱਸਵੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਦਰਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਢਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਛੱਪੜ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਟੋਭਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਰਖਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਢਾਬ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਓ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਾਣੀਏ, ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਸਵਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ 5000, ਮੇਰਾ 10000। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਖੇ ਤੇ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਆਖੇ ਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਹੀ ਇਨਫਿਊਜ਼ਿਸ ਬ੍ਰੈਥ ਇਨਟੂ ਦਾ ਡੈਡ ਵਨਸ, ਮੁਰਦੇ ਪੱਬਾਂ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇੰਨੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਦੇਖ ਵਡਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ, ਕਈ ਨਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਖੇ 'ਤੇ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਆਖੇ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਦਵਾ ਦਈਏ। ਹਏ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੱਟਿਆ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਤਾ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲਹੋ, ਰਾਮ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹਿ ਦਿਸ ਭਰਮੇ, ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ, ਧੇਨ ਦੁਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕਾਮ, ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕੁਮਲਾਵਤੀ ਉਪਜੈ ਨਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਊ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
वनस्पति सुक जाती है। आया गुरु गोबिंद सिंह बिदावा दे के साडा वजूद उस रुख नालों टुटे फल वर्गा हो गया, उस जल नालों बिखड़े हुए उस बगीचे वाला हो गया जेदा खुरा खोज मिट जाता है। आया गुरु गोबिंद सिंह कुछ नहीं चाहिए, सानू चरणा नाल लाला है। इतिहासकार कहिंदे ने महा सिंह कर जोर उचारे, पात साह सुत सेवक सारे, भूले हे बहु अपराध कमावै तऊ पिता मन कोप ना लियावै। जिवें पिता भुले हुए बच्चियां नूं खिमा कर दिंदा है, गुस्सा नहीं करदा, असी भुले भड़के तेरे चरणा विच आए हाँ। जाओ मुझ कहो बर दैबो चाहै, टूटी मेल लहो बच कहै। जे मैनू वर देना ही चाहना है, इस बिन इच्छा मोहे ना और, बख्श लेहो सोडी सिरमौर। वो जेड़ा बिदावा दिता सी वो पाड़ के चरना नल लाला, होर मैनू कुछ नहीं चाहिदा। बापू कहिंदा महा सिंघा जदों तरला लिया ना, सुत अपराध करत है जेते, जननी जीत ना राखस देते। जदों तरला लिया ते बापू गुरु गोबिंद सिंह पातशाह कहिंदे, देख मैं आनंदां दी पूरी गवा आया, मैं मखमली सेजां गवा आया, मैं परिवार गवा लिया, मैं लखते जिगर चार छड आया। महा सिंघा मैं हर हर वस्तु गवा आया, वार आया, निशावर कर आया, सरसा नदी दे विच मेरा प्यारा मेरी पुरजोर कलम तो प्रगट होया, साहित रुड़ गया। जे नहीं कुछ रुड़न दिता ते तेरा बदावा सी अज भी कमर कसे विच सांभ आया। मैं सिख नाल प्यार गुरु का, तू बेदावा दे सकदा पर गुरु कदे भी दावा नहीं चुकदा अपने सिख तो। मापे कुमापे नहीं हुंदे, असी को पुत बन जाने। वो कमर कसे चो बेदावा कढ़िया चिट्ठी कढ़ी, कहिंदा पातशाह इहनूं पाड़ दिओ। महाराज ने चिट्ठी पाड़ दित्ती। इत्थे फिर बाणी कहिंदी है, टूटी गांडन हार, गोपाल सर्व जी आपे। गुर परमेश्वर एको जान, चाहे वह गोपाल है ते चाहे गुरु है, उन्हां दा दर्जा एक ही है। गुरु दा बचन कमाया, शहादत दी अवधि माणी उन्हां महापुरशां ने। कहिंदे जीवन मुक्त गुर शब्द कमाए, हर स्यों सद ही रह समाए। जिहड़ा गुरु दे हुकम विच चले ओ दुखां तो तकलीफां तो विगारां तो चरासी तो निजात पाउंदा है, ते जेड़ा शहादत पावे उन्हों सिद्धी खुदा दी गोद मिलती है। फिर पढ़ दे पहला मरण कबूल, जीवन की छाडा सोहो सबना की रेणका तो आओ हमारा। ऐसे गुरु पातशाह मुक्ति दाते उन्हों दा अजे पाक दिहाड़ा समुची कायनात अंदर सिख गैर सिख मना रहे ने। उन्हों 40 मुक्तियां नू प्रणाम है। और अज जिस पाक स्थान ते तुसी बैठे हो, देखो सिख जगत की फुलवाड़ी नूं प्रफुल्लित करन लई गुरु पातशाह दे प्यारियां सिखां तों संप्रदावां संस्थावां चलियां ने। ये ध्यान दिओ, एक सैकेंड एकाग्रता इसे तरह बना के रखियो भी संप्रदावां दा रोल की है। रंचक मात्र समय च ही समाप्ति करा। तुसीं चाहे उन्हूं अड्डन शाही संप्रदाय समझ लो, सेवा पंथी समझ लो। बाबा कन्हैया जी जिन्हां वर्गे महापुरशां बाबत बाणी कहिंदी है, ब्रह्म ज्ञानी से जन भए, नानक जिस प्रभ आप करे। जिन्हां नूं खुद खुदा ने आप ये अवस्था बख्शी है, और उन्हां नूं एक ऐसी महानता रब बख्श दिंदा है। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ना कोई वैरी है ते ना कोई उन्हां दा मित्र। भाव हर जरे दे विचो की वेंदे ने, रूहू हर दर जिसम गुर गोबिंद सिंह, नूर दर हर चशम गुर गोबिंद सिंह। ऐ भाई कन्हैया जी, मैदाने जंग विच शिकायत आई है सिखां वल्लों, तुहाडी भी तुसीं दुश्मणां नूं जल छकाउंदे हो। कहिंदा महाराज मैं जिस वल भी वेखदा हाँ, जिवें भाई नंद लाल दे बोल, रूहू हर दर जिसम गुर गो
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਵਾਸ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਅੱਖ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਲ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਕਮਾਵੈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸਾਰ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਲੱਖ ਲਿਬਾਸ ਪਾਲਿਆ ਧਰਮ ਦਾ, ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ, ਦਇਆ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਕਾਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਕਾ ਜੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਇਆ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵੀਆਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਇਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਠੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੈ ਜੋਤ ਉਹ ਹੈ ਜਗਤ ਜੁਗਤ ਸਾਈ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਦਸ ਜਾਮੇ ਬਦਲੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਉਹ ਵਟ ਭਾਗੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਉਸਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰਸਤਾ, ਪਗਡੰਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਾਈਂ ਧਰਮ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਜੱਚਦੇ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਰਾਇਟੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹ, ਇਹਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਲੱਗਾ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਕਰਕੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਕੱਲਾ ਪੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫੋਰਸ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਵੱਖਰੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਖਾਲਸਾ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫੌਜ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌੜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬਗੀਚਾ ਟਹਿਕਦਾ ਮਹਿਕਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਹੋਣ, ਰੁੱਖ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਫੁੱਲ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਦੇ ਕਾਰੀਆਂ ਸੈਯਦਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ। ਹਰ
एक जरे चो आवाज आई सब ते वड्डा सतगुर नानक जिनकल राखी मेरी। सो ख्याल रखियो इस गल दा, ये संपर्दावां सिक्खी दी फुलवाड़ी नूं प्रफुल्लत करन वाले ऐसे ऐसे महापुरश ने जिन्हां ने ज्ञान दे नाल, सेवावां दे नाल, प्रचार दे नाल सिख जगत दी फुलवाड़ी नूं खेड़े विच लियांदा। और महाराज ने वेखो किन्ना सत्कार दिता है ऐसे महापुरशां नूं, कहिंदे जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरा, जो नाम जपे ते जपावे गुरु नाल जोड़े उहदे चरणां दी। महाराज कहिंदे धूड़ लोचदे आ ते तू निंदा करन लग पैंदा, निंदा करनी छड्ड जिहड़े साधु संत गुरु ग्रंथ साहिब नाल जोड़दे ने। बाबा जी दास ही रहे सन आप संगत इन्ना, ये तो फसल ही बीजी है जिहड़ा समागम है, फल ते हजे कल नूं कटना है, 12 बजे कल नूं खड्डे की बौल बरसनी है। सो कोई भी संपर्दाय है गुरमत समागम तो बाद जदों खंडे की बौल सजदी है, गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लाउण दा होका वो दिंदे ने, ते मतलब साफ है सारे ही तत्पर ने गुरु नानक साहिब की फुलवाड़ी खिड़ी रवे। हाँ, उन्हां तो जरूर दूरी बनाओ जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब की जगह अपने आप नूं गुरु अखवाउंदे ने। गुरु साढ़े गुरु ग्रंथ साहिब ने, साधुआं संतां की संगत कर पाई रे संत जना की रेण। महाराज कहिंदे ने संत सभा गुर पाई है मुक्त पदार्थ। इफ यू वॉन्ट एमेंसीपेशन, साधुआं की संगत कर, सत्कार कर, सिजदा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नूं कर। दास इत्थे ही अपनी वाणी नूं विश्राम दिंदा है, बेअंत त्रुटियां गुरु पातशाह दे इतिहास नूं बाणी नूं आप संगत नाल सांझा करदिआं साधुआं की वड्याई करदिआं रह जांदियां ने। आप संगत ने खिमा कर देनी, दास की इन्नी हाजरी प्रवान करनी। समूह सेवा पंथी महापुरशां दा धन्नवाद है जी, बेअंत सिख जगत अंदर प्रचार प्रसार सेवावां कर रहे ने, अध्यात्मक विद्या के कई केंद्र बनाए ने, खंडे की पौल बरसदी है, स्कूल कॉलेज दुनियावी विद्या लई बनाए ने, बेअंत सेवावां ने, हॉस्पिटल चल रहे ने। इन्हां सेवावां दे नाल नाल पातशाह इन्हां दी वडियाई करवाउंदे ने। सो दास ये पंक्ति कह के फतेह बुलावे, सेवा करत होए निकामी तिसको होत। सेवा दी ये महानता है, गुरु वाले बनिए खंडे दी पौल शकीए जी। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी।